और एक बड़ी खबर आपको बता दें लाउड एंड क्लियर में, हाई स्कूल परीक्षा में नकल का वीडियो वायरल हो रहा है। खुलेआम नकल करते दिख रहे हैं परीक्षार्थी। जम्मू कश्मीर के मेंढर का ये मामला है। शिक्षक की मौजूदगी में धड़ल्ले से चीटिंग हो रही है, नकल हो रही है। कॉपी के साथ नकल सामग्री लिए हुए दिखे परीक्षार्थी। वीडियो वायरल हुआ तो जांच के आदेश भी दिए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के मेंढर से यह खबर है, जहां पर शिक्षक की मौजूदगी में देखिए टीचर मौजूद है, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और खुलेआम चीटिंग की जा रही है। पर्चियां जो बनाकर आए हैं छात्र, उससे कॉपी की जा रही है, नकल की जा रही है, और खुलेआम हो रहा है, टीचर के सामने हो रहा है। ये सख्ते में डालता है ये मामला, हैरान करने वाला ये मामला। तस्वीरें खुद बता रही हैं, मेंढर में, जम्मू कश्मीर के मेंढर से ये बड़ी खबर कि नकल की पर्ची इन स्टूडेंट्स के साथ साथ मौजूद है। जिस कॉपी में लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके नीचे नकल की पर्ची है। और इन तीन तस्वीरों से पूरा मामला आपको समझाते हैं। खुलेआम नकल हो रही है, परीक्षार्थी अपने साथ नकल की पर्ची साथ लेकर आए, और या यूं कहें कि पूरी किताब ही उठा लेकर आए। यहां मौजूद शिक्षक भी ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। वहीं मामला खुला तो एसडीएम ने जांच के आदेश दे दिए। हाई स्कूल परीक्षा में नकल का वीडियो वायरल हुआ है ये, तो हरकत में अब प्रशासन भी आ गया है। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो इस जमन में मैंने एक ऑर्डर इंक्वायरी की है, उसमें एक इंक्वायरी ऑर्डर की है जिसमें तहसीलदार मनकोट को इंक्वायरी अफसर बनाया है कि वो इसमें पूरी छानबीन करके इस जो है वो रिपोर्ट सबमिट करे विद इन टू डेज। तो जो भी इसमें डेलिक्वेंट ऑफिशियल्स हैं या स्टाफ है, जो भी वहाँ पे डिप्लॉयड है एग्जामिनेशन में, जो जो भी है, उसमें हमने क्लियर लिखा है कि इनके रिकमेंडेशन दो कि इनकी डेलिक्वेंसी की वजह से इस तरह के काम। चलिए तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं लाउड एंड क्लियर में। अब तस्वीरें बिहार के बेतिया से आपको दिखाते हैं। बिहार में सुशासन बाबू के राज में शिक्षा व्यवस्था का किस कदर मजाक उड़ाया जा रहा है ये देखिए। स्कूल में ही सोने लगी महिला शिक्षक, ये बड़ी खबर आई है। क्लासरूम में सोने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये देखिए क्लासरूम है जहां पर बच्चे बैठे हुए हैं, छात्राएं बैठी हुई हैं, और जो शिक्षिका हैं वो आराम से कुर्सी में बैठे बैठे नींद का आनंद ले रही हैं। महिला टीचर पति के दारोगा होने का धौंस भी जमाती है, ऐसी खबर भी मिल रही है। बिहार के बेतिया जिले से आई ये हैरान करने वाली तस्वीर। स्टूडेंट्स सब देख रहे हैं टीचर की ओर, लेकिन टीचर सो रही है। और तस्वीरें बिहार के बेतिया से हम आपको दिखा रहे हैं, स्कूल में कैसे टीचर सोते हुए ये वीडियो वायरल हो रहा है। और यहाँ के गोनाहा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय डुमरी में 223 बच्चे पढ़ते हैं इस पूरे स्कूल में, और यहाँ 5 शिक्षक भी पदस्थ हैं। लेकिन आरोप है कि यहाँ इसी तरह पढ़ाई होती है, शिक्षा स्कूल में आकर नींद में डूब जाते हैं शिक्षक, और बच्चे खेलते कूदते रहते हैं। वीडियो वायरल हुआ है तब जाकर प्रशासन भी जागा है और आँखें खुली हैं। आरोपी शिक्षिका राजेश्वरी कुमारी तबीयत खराब होने का रोने लगी जब ये पता लगा कि वो इस तरह से वीडियो में, जब वायरल वीडियो हुआ और वो सोती हुई नजर आई। वहीं प्रखंड अधिकारी ने जांच कराए जाने की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ लिया है। और बिहार के स्कूलों का हाल तो आपने देख लिया, लेकिन इसके बाद अब आपको बिहार के शिक्षा मंत्री का अंग्रेजी ज्ञान भी दिखाते हैं, सुनाते हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बिहार विधान परिषद में बार बार इंटरोगेशन पर बोल रहे थे, इस टॉपिक पर बोल रहे थे, और ये वही शिक्षा मंत्री हैं आपको याद होगा जिनका रामचरित मानस पर बयान दिया था इन्होंने, विवादित बयान दिया था, विवाद बहुत पनपा था और देश भर में विरोध हुआ था। सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने उनकी कैसी गलती सुधारी ये देखिए। तो बोलने वाला था आधा घंटा भी समय नहीं महोदय, बताइए कितना इंटरोगेशन हुआ, इंटरप्शन हुआ।